हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रौद्योगिकी अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ये जो हमारा सेशन चल रहा है वो चल रहा है 2021 के सीटेट एग्ज़ाम्स का। दो क्लासेस आ चुकी हैं, CDB की और हिंदी पेडागोजी की। ठीक है, 21 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, उसमें आप बच्चों से बात करिए, उनसे जानिए कि जो हमारी दो क्लासेस हैं उसमें से पूरा का पूरा वही टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो उन क्लासेस को देखेंगे और ये फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्लासेस में से फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। ठीक है, रही बात दूसरी पेपर की, जिसमें GS पोर्शन है, उसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आए हैं और बच्चों ने बताए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि उसमें पूछा जा रहा है, एक तो दिल्ली सल्तनत से है ना, एक पूछा जा रहा है उसमें मुगल से, ठीक, और एक पूछा जा रहा है आपसे उसमें जो कोई उपाधि ली गई है उससे। ठीक है, फिर आपका पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि कोई अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट किस चीज़ का, स्टडी से रिलेटेड होगा, अमेंडमेंट संशोधन जिसे कहते हैं। फिर आपके कहूँ तो आर्टिकल्स हैं कुछ, मतलब फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें, है ना। कुछ क्वेश्चंस उसमें आपके जो DPSP है उससे रिलेटेड थे। ठीक है, ये चीज़ें हुई। फिर इसके बाद अगर इसको रफ कर देते हैं, ये टॉपिक हो गए। कुछ टॉपिक और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और वो हैं आपके ज्योग्राफी पूछा जा रहा है ना। ज्योग्राफी में क्या पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है आपके पीक्स पूछी जा रही हैं, है ना, माउंटेन्स अगर कहूँ तो, है ना, आपकी लेक पूछी जा रही है ना, लेक पूछी जा रही है, और आपके कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना ट्री वगैरह से रिलेटेड वो पूछे जा रहे हैं। कुल मिला के क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं और इन्हीं तीन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके माउंटेन्स अच्छे से पढ़ के जाइए, दुनिया की जो कुछ लेक हैं इम्पोर्टेंट उनको पढ़ के जाइए, और लेक्स आपको मैंने बता ही दिया। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, गांधी जी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गांधी जी को एक बार पढ़ लीजिए, उनके मूवमेंट्स वगैरह। बाकी का जो मिडाइवल हिस्ट्री है ना उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत और मुगल से। ठीक है, पॉलिटी में मैंने आपको बताई दिया कि अमेंडमेंट्स पूछ रहा है, संशोधन, और आपके पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स और आपकी DPSP, है ना, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वहाँ से, आपके जो संशोधन है वहाँ से, और आपके DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चीज़ें आपको कुल मिला के आपको ध्यान में रखनी होंगी कि इन तीन सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी के जो हम दूसरी पेडागोजीज की क्लास है, इंग्लिश की पेडागोजी, अब आपकी कल मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि तो बहुत सारी क्लासेज और भी रहती हैं ऑफलाइन, तो इस वजह से मैं अभी इस पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिस पर पूरा फोकस रहेगा, और वो है आपका उत्तराखंड PCS के लिए, जो कि बहुत जल्द हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही है। आपको पूरा बकायदा उसका मतलब सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा 1.5 महीने के अंदर, और उसके आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी कि मतलब पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट करा दिया जाए। तो उसकी जल्दी से जल्दी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से वो बैच स्टार्ट होगा और उसमें क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि वो हम लोग सोच रहे हैं उसको मतलब बकायदा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर दें, उसको क्लासेस दें पूरी, तो उसके लिए शायद हम लोग कुछ फीस भी रखेंगे जिससे कि बच्चे वही जुड़ें अच्छे। और कुछ वीडियो ऐसी नहीं है कि मतलब ऑनलाइन नहीं आएंगी, ऑनलाइन भी आएंगी और उन वीडियोस को आप सभी देख सकते हैं, बट कुछ जो क्लासेस होंगी प्रॉपर
उनको प्लेटफॉर्म पे बता दिया जाएगा कि कहाँ पे वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें, जो भी एनालिसिस जिस पेपर का होगा। ठीक है, थैंक यू, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू।